दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आवास मुख्यतः मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बनाया है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और आप भी एक बेहतरीन सा घर बनाना चाहते हैं उतने ही पैसे में, मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती उसकी, क्योंकि उसमें लगभग ये मकान की अगर हम बात करें 2.5 से 3 लाख रुपए में आपका जैसा दिख रहा है ऐसा बनने वाला है, क्योंकि उसी को देखते हुए मैंने चीजें क्रिएट की हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना का डिजाइन है। अगर आपको ऐसा घर मिला है, आपको पैसा मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो आप किस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन सा घर बना सकते हैं। इस मॉडल की अगर हम बात करें, जो साइज है वो है 20x20, 20 फीट आपका फ्रंट है और 20 बैक है। 20x20 मतलब 400 स्क्वायर फीट में पूरा मॉडल बना है। इसी ग्रिल का कॉम्बिनेशन देखिएगा, फ्रंट का एलिवेशन देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो यही मॉडल को आज हम डिसाइड आपके सामने बताने वाले कि कैसा बनने वाला है। आप इस वीडियो पर बने रहें, जिससे मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। तो उसके लिए आप अगर अभी तक आपने इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सके। इस स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो, नए नए वीडियो मिलते रहते हैं, इसलिए आपको इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस मिलती हैं। तो चलो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसे आपको उसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। इसकी ग्रिल वगैरह का डिजाइन आप देख लीजिए, कितना ही खूबसूरत होने वाला है मकान। यहाँ पर आपको विंडो वगैरह बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने दी है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देखिए मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर एक पिलर बना हुआ है, एक यहाँ पर पिलर बना, उसी में बीम का डिजाइन बना हुआ है बारंदा टाइप का। यहाँ पर एक विंडो मैंने दिया है विद फ्रेम। इसका जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको बेहतरीन सा बारंदा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा इसका, यहाँ पर मैं टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको यहाँ से चढ़ना होगा, यहाँ से टर्न होकर आप इधर आएंगे, फिर इधर गए तो ये आपका बारंदा प्लस जीना हो जाता है। वही बात करें, बारंदे में ही मैंने यहाँ पर कुछ किचन बना रखा है। आप देख सकते हैं ये वाला किचन है, ये आपका लेट बाथ है। आप इस मकान को दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना आता है वहां भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको पैसा 1,20,000 मिलता है, तो उतने में पॉसिबल नहीं होगा। मैं पहले क्लियर आपको बता दूं, आपको पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो अब अगर आपका किचन मतलब कि लेट बाथ आपको रिक्वायर्ड नहीं, तो आप इस वाले पोर्शन पर इंक्रीज करके पूरा ही आप अपना किचन बना लीजिए। इसके बाद ये दो डोर दिए, क्योंकि पीछे देखिए दो आपको बेडरूम देखने को मिल रहे हैं, वो दो कमरे हैं, तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग डोर दिया है। इसके लिए यहाँ पर मैंने विंडो भी दिया है। तो दो बेडरूम है, लेट बाथ, किचन, और वहीं बात करें आपका ये पूरा बारंदा, और इधर स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जा पाएंगे। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है, जो कि 20x20 में आपका मकान बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रंट की अगर बात करें तो ये किचन वाला एरिया, यहाँ पर मैंने 3 ऊपर और वोवेल टाइप्स के कार्ट रखे हैं, इससे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हालांकि विंडो ऑलरेडी लगा था। इसके बाद ये डिजाइनिंग के पर्पज से कुछ चीजें मैंने यहाँ पर बना रखी हैं। तो ये देखिए पूरा मकान, काफी लोग बोलेंगे कि ये शायद 2.5 से 3 लाख रुपए में ना बन पाए, बट ऐसा नहीं दोस्तों, बन जाएगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर बनवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर बनवाने की। अगर आपको लगता है कि ये कितने में बनेगा, हो सकता है काफी लोगों के माइंड में हो कि ये मकान ज्यादा पैसों में बनेगा या कम में बनेगा, अगर आपको ऐसा लगता हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा एक बार कि मॉडल कैसा बनेगा। तो अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। ये देखिए इसका फर्स्ट फ्लोर वही है, 3.5 फीट का, चारों तरफ बाउंड्री वॉल, फ्रंट में ग्रिल, ग्रिल बहुत ही खूबसूरत मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। यहाँ पर लगभग ये देखिएगा डिजाइन कितना बेहतरीन आपका मॉडल लग रहा है, और आपका चारों तरफ हो सकता है मकान वगैरह जो भी है बना होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने फ्रंट ही क्रिएट किया है। तो ये 20x20 400 स्क्वायर फीट में बेहतरीन सा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी लाभार्थी है उनके लिए, या अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस मकान को कंसीडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ही कंसीडर करें, अगर आपके पसंद आ रहा है मॉडल तो आप इस मॉडल को बनवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से रिव्यू कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।